हेलो दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आप आगे देखने वाले हैं कि रानी और सुजाता राधिका को गोलमुखी गोलमटोल कह के हाथी भी बोलते हैं और आटे की बोरी भी बोलते हैं। सारे लोग मिल करके राधिका को कुछ ना कुछ उसको चिढ़ाते हैं। तो अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सच में रानी राधिका को हाथी वाला ड्रेस पहना करके और उसको उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाने वाली है। अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि रानी राधिका को यह सजा सुनाती है कि मैं बाजार में साइकिल चलाऊंगी और पीछे पीछे तुमको मेरे पीछे पीछे मतलब छाता लेके चलना होगा। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप एपिसोड के अंदर देखेंगे कि राधिका पहले से भी ज़्यादा रानी की मतलब परेशानियों को झेलने वाली है और राधिका ऐसी है कि मतलब कुछ कहती नहीं है दिव्यम को पाने के लिए, वो सारी मुसीबतों को झेलते हुए आ रही है। और रानी है कि बार बार बच जा रही है और अपने सबूतों को मिटाना हो गया या फिर दिव्यम को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है रानी, लेकिन सारी उसकी मुमकिन कोशिश नाकाम हो जा रही है राधिका के सीधे साधेपन से। और राधिका सच्चे मन की एक लड़की है और सच्चे मन से दिव्यम को चाहती है और असल में दिव्यम की पत्नी राधिका ही है। तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सच में हाथी का कॉस्ट्यूम यानी हाथी का ड्रेस पहना करके राधिका को रानी उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाने वाली है। बाजार में साइकिल चलाती है तो उसके पीछे पीछे राधिका छाता लेकर के दौड़ती रहती है, ये सजा सुनाई रहती है राधिका। दिव्यम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है राधिका के लिए। तो आने वाले एपिसोड जब आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके इस वीडियो में बताइए कि क्या यह अगर अपडेट आप देखेंगे मतलब जो मैंने बताया है यह अपडेट आप देखेंगे तो आपको रानी पे गुस्सा आएगा या फिर प्यार आएगा, आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइएगा। और बस यही है न्यू रोज़ सीरियल की न्यू अपडेट जानने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए सीरियल के किसी अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।